ससुराल का रहना और गधे पे चढ़ना बराबर है। एक दिन का ही रिश्तेदार होया करता है, दूसरे दिन फिर मेहमान में तब्दील हो जाता है, तीसरे दिन बेईमान मान लिया जाता है। तीन दिन से भी ज्यादा अगर कोई ससुराल में रुके तो फिर उस आदमी की कोई कदर नहीं होया करती। उसी समय नाटिया राजा नल, रानी पूछने लगी क्या हुआ, तो क्या बताने लगा, दादा लक्ष्मी ने क्या लिखा है सुनिएगा। सिंह हमारी टीम के लिए 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं और 200 रुपए इब और 1000 रुपए पहले मान सम्मान किया है। भाई विक्की चौधरी हमारी टीम के लिए 1200 रुपए का मान सम्मान किया है। भाई के सम्मान में जोरदार ताली, जोरदार ताली। और गांव छुरियावास से आदरणीय बहन जी रेखा शर्मा जी,
जोरदार तालियों से स्वागत बहन रेखा शर्मा जी छुरियावास, 500 रुपए का इनाम देती हैं। बार बार धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रानी दमयंती जी? महाराज आप बार बार कह रही हो कि कुंदनपुर चलिए, मेरे गांव में चलिए। महाराज ये जो हमारे ऊपर दुखद जो वक्त है, जो इतना संकट का बुरा वक्त चल रहा है हमारे ऊपर, वहाँ चलो मेरे पिता के यहाँ। हमारी बहुत मैं चलिया तो चलूंगा, लेकिन तेरी जो संग की सहेली होंगी ना जी, वो ताने देंगी। तेरी जो चाची ताई होंगी वो तुझे टिकने नहीं देंगी तेरी माँ के यहाँ पे। नहीं मेरे महाराज, कारण ऐसी कोई बात नहीं, एक बार अब चल के तो देखिए। मिला भाग का मुआ, मिला भाग का मुआ, इन पाका माया आनंद करेगा कोई भाग्य वाला सुआ। तेरी नगरी वाले ताने देंगे, नल क्यों खेले था जुआ, क्यों खेले था जुआ। अरे चौकर दे हट बोली मारे, हेरे रे रे साड़ी, भला कहे को बुरा कहे को, राम राम दे गाली, राम राम दे गाली। ससुराल में जमाई, जमाई ये ठीक नहीं होया करता। यो तो यो महाराज वीर सिंह सरपंच डेली ससुराल में होके आवे है। महाराज इतना आगे का सोचना आपका ठीक है, लेकिन जो इतना बुरा वक्त है ये भी तो कैसे कटेगा। रानी दमयंती एक बात बता दूं जी, तेरी जो संग की सहेली है हाँ जी, वो मेरे तो मजाक करेंगी, कोई जीजा जी, कोई जीजा, कोई बटेऊ, कोई कुछ, कोई मजाक करेगी, कोई मस्करी करेगी, कोई थोड़ी बहुत हरकत भी करेगी जी। और ये सारी बातें जब इंसान का दिमाग ठिकाने होता है तब अच्छी लगा करती हैं। हमेशा टोटे की बीमारी में, आपको तो पता है चंद्रगुप्त ने अपनी घरवाली को भी टापू में सोती हुई छोड़ दिया था, इसलिए क्या लिखा दादा लक्ष्मी ने हाँ? क्या? तेरी सखी साथ की जो से वा चाहेंगी हंसी ठट्टा, मेरा ना काहे ममोसे, ना काहे ममोसे, कदे एक वे की बात लिकड़ जा बरियागात में जो से, बाप के भाई ससुराल जमाई घना डटियाना अच्छा हो से, डटाना अच्छा हो से। राम राम दे गाड़ी,
के किस्से की इस महत्वपूर्ण रागनी पर हमारे भाई भरतलाल जी कई हजार रुपए पहले दिए हैं और 500 रुपए का पुरस्कार फिर से भिजवाया है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा, धन्यवाद करिएगा। और मैडम मानवी भारद्वाज जी के इस अभिनय से खुश होकर के हमारे भाई पवन जून जी एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। 200 रुपए का पुरस्कार दिया है आपका, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महाराज कहिए, ये तो आपने सही कहा, बुरे वक्त में हर कोई मुंह मोड़ लेता है। और साथ की साथ अगर तेरे पीहर में रहूंगा ना, दो तीन दिन के बाद यूं कहने लगेंगे साला खाट में पड़ा पड़ा जीव चलावे है, काम कुछ करता नहीं, बेईमान कहीं का। और दूसरी बात यह है, विपदा के समय पे धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफतकाल परखिए चारी, धैर्य धीरज धर्म। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने विपदा में अपना धर्म नहीं छोड़ा था जी महाराज, भगवान राम ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा था जी। मित्र सुदामा पे कितनी गरीबी हुई, लेकिन गरीबी में श्री कृष्ण को इतना सा भी नहीं कहा, कुछ तो दे दे, 10 रुपया तो दे दे, यूं भी नहीं कहा। धीरज धर्म मित्र और नारी, ये चार बातें जो विद्वानों ने कही हैं, ये बुरे वक्त में परखी जाती हैं। आज तेरा समय है, क्योंकि मेरे यहां से जाने के बाद इंद्र सेन और इंद्रावती को कैसे रखेगी, इस बात का ख्याल तुझे करना है जी महाराज। और रात तने से, दिन और रात तने से, तेरा लक्ष्मी चंद सतगुरु की सेवा, करी दिन और रात तने से, करी दिन और रात तने से, और गणारंज मन न्यू तम यंती, ये रे रे